Hello students, yesterday we studied human eye, its various components and mechanism of its working. हमने इसमें पढ़ा कि आईज के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसमें हम कंस्ट्रक्शन में पढ़ा, कंस्ट्रक्शन में हमने ये स्टडी किया ह्यूमन आई के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो जिनका पर्टिकुलर क्या क्या फंक्शन है, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट मैंने ये बताया था हाउ डज आवर आई वर्क्स. इसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारी आई जो है वो वर्क करती है अंडर प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और हमारी आई के अंदर एक जो आई लेंस होता है इट इज मेड अप ऑफ लिविंग मटेरियल एंड इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन. उसके बाद मैंने आपको बताया था रेंज ऑफ विजन, जो मैंने बताया था 25 सेंटीमीटर से इनफिनिटी तक होता है. नाउ टुडे आई हैव अनदर टॉपिक दैट इज हाइपरमेट्रोपिया. मैंने आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन में विजन में सबसे पहले जो है मायोपिया करा दिया था, ठीक है, मायोपिया कराया था हमने. नाउ सेकंड इज हाइपर मेट्रोपिया. तो हाइपर मेट्रोपिया में मैं आपको ये बताऊंगा कि ए पर्सन सफर फ्रॉम such kind of defect can see the object placed at distant position, but he cannot see clearly the object nearby him या हर लिख सकते हो, ठीक है, इसमें ही चीज लिख सकते हो. इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग साइटेडनेस, इसको हम इसका दूसरा नाम भी है लॉन्ग साइटेडनेस, SIGHTED. लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, पर्सन दूर देख सकता है बट नजदीक ना देख सकता है. इसकी वजह से जो इस पर्सन को जो डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट का नाम हमने दे दिया है हाइपरमेट्रोपिया. तो इसका मतलब क्या होता है, सो सच पेशेंट्स हैव नियर पॉइंट अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से दूर ही उनका नियर पॉइंट होगा, इसलिए वो ज्यादा नजदीक देख नहीं सकते. आपने देखा होगा कुछ लोग हमारे जो है ऐसे, जब थोड़ी एज ज्यादा हो जाती है तो जब भी वो न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो थोड़ा ऐसे रख के देखते हैं, ठीक है, बिकॉज उनका जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा दूर हो जाता है. और इस ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया. तो हम एक्चुअल में कैसा है, एक्चुअल पोजीशन उसका कैसा है, मैं आपको ये बताऊं. एक्चुअल में ये इसका कॉर्निया है, ठीक है. तो जब दूर से रेज आती, ठीक, व्हेन द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड एट डिस्टेंट पोजीशन, डिस्टेंट होता है थोड़ा दूर, ठीक, तो उस समय में क्या करता है कि ये जो लाइट है दिस गेट फोकस्ड ऑन रेटिना, ठीक है, ये रेटिना पे फोकस होती है एंड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना एंड हैज नॉर्मल विजन. दूर के लिए क्या होता है, उसका नॉर्मल विजन होता है. बट वहीं पर पर्सन जब नियर बाई ऑब्जेक्ट्स देखता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट देखता है तो उसमें क्या होता है, यहां पे सपोज यहां पे उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है,
तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि नियर बाई ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेस इमिट होती है दे आर समवॉट डाइवर्जिंग टाइप, तो ये इस तरह से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देती है, ठीक है। तो डाइवर्ज होते हुए दिखाई देगी तो इसमें कन्वर्जिंग पावर कम होने की वजह से क्या होता है कि ये जो लाइट रेज है ये डाइवर्ज हो जाती है, और लाइट रेज डाइवर्ज होने के बाद दे अपीयर टू मीट, दिस इज पॉइंट ऑफ फोकस, या हम बोलते हैं कन्वर्जेंस, दिस इज पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। तो हम लिखे नियर बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नियर बाई ऑब्जेक्ट जब हो उस समय इस आई लेंस की कम कन्वर्जिंग पावर होने की वजह से द आई लेंस कैन नॉट फोकस द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द नियर बाई ऑब्जेक्ट एक्चुअली ऑन द रेटिना, रदर दे आर फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना। हम इनको डॉटेड लाइन में भी शो कर सकते हैं, दे आर फोकस्ड एंड सो द ऑब्जेक्ट अपीयर टू हिम आर हर ब्लर्ड, ठीक है, ब्लर्ड ऑब्जेक्ट जो है उनको देखता है। तो इस ऐसे पेशेंट को हम कैसे ठीक करेंगे, देखिए दिस इज मैं बताऊंगा, दिस इज डिफेक्ट, ये डिफेक्ट होता है। अब देखिए इस पेशेंट को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। सपोज इसका ये कन्वेक्स है, ये जो है इसकी ह्यूमन आई की डायग्राम में बता रहा हूं, ठीक है। तो इसकी स्पेक्टिकल में हम क्या लगाते हैं, एक कन्वर्जिंग मिरर लेंस लगाते हैं, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस। तो क्या होता है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट से जब ये लाइट रेज डाइवर्ज होते हुए आएंगी, ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट होगा, ओके, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द नियर बाई ऑब्जेक्ट आर कन्वर्ज फर्स्ट, इनको क्या कहा जाता है, ये कन्वर्ज किया जाता है, एंड देन दे आर फोकस्ड एट रेटिना, फोकस्ड एट रेटिना, एंड दिस इज कॉल्ड करेक्शन। हम इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, ओके। Therefore, the cause of hypermetropia, जो causes क्या हैं? दो causes हो सकते हैं, या तो short size of eyeball, अगर eyeball छोटा हो जाए, eyeball छोटा हो 2.3 सेंटीमीटर मैंने बोला था normal eye, human eye का होता है, अगर उससे छोटा हो eyeball, ठीक, उसका diameter कम हो, तो normally वो lens जो है उसको एग्जैक्टली जो रेटिना पे फोकस नहीं कर पाएगा, वो रेटिना से पीछे करेगा। सेकंड चीज हुआ कि लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, अगर आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर ही कम हो तो उस केस में भी वो लाइट रेज कन्वर्ज होंगे ही नहीं, और कन्वर्ज ना होंगे तो वो दे विल अपीयर टू मीट बिहाइंड द रेटिना, एंड ड्यू टू दैट दिस रीजन the image is not clearly perceived by the patient having hypermetropia, ठीक है, and this defect can be corrected by using converging lens of suitable power, या suitable उसके focal length को adjust करके the convex lens of suitable power can be adjusted into his spectacles so that he can be एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, और इसका नियर पॉइंट को नजदीक लाने के लिए उसको क्या किया जाता है, वो कन्वेक्स लेंस लगाया जा सकता है और वो देख सकता है। आपने देखा भी होगा ऐसे पर्सन जो है फिर एनक लगा के पढ़ सकते हैं, एनक लगा के देख सकते हैं, छोटे छोटे चीजें जब देखनी होगी, किताब पढ़नी होगी, तो उनके जेब में क्या होती है, एनक स्पेक्टिकल्स होती है, और वो उसको तभी यूज करते हैं जब उनको कुछ पढ़ना होगा, अदरवाइज वो ऐसे नॉर्मली चलते हैं, दूर वाली चीजें उनको अच्छी तरह से दिखती हैं, ओके। नाउ थर्ड वन इज प्रेस बायोपिया जो है, इट इज द डिफेक्ट व्हिच अराइजेस यूजुअली ड्यूरिंग ओल्ड एज में ये डिफेक्ट है अराइज होता है, और आपको मैं ये बताऊं कि ये डिफेक्ट कैसे अराइज होता है, हाउ इट अराइजेस, इट इज ड्यू टू weakening of ciliary muscles,
सीरियरी मसल जो है वो वीक हो जाते हैं ओल्ड एज के टाइम, एंड ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सीरियरी मसल्स द प्रेस बायोपिया इफेक्ट डिफेक्ट अराइजेस। और आपको ये बताऊं कि व्हाट डस दिस मसल एक्चुअली डू, द एक्चुअल फंक्शन ऑफ दिस मसल इज टू accommodate the light rays exactly on the retina. So due to these muscles, our eye lens can accommodate all the light rays fall on it, so that they can be focused on the retina. और इसलिए power of accommodation जो है वो किसकी वजह से होता है, due to ciliary muscles, ठीक है, because the eye lens is very much flexible. और आपको ये बताऊंगा जब वो एडजस्ट ही ना कर पाए, फोकल लेंथ को एडजस्ट ही नहीं कर पाए, चाहे दूर ऑब्जेक्ट हो चाहे नजदीक ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि उनके सीरियरी मसल वीक है, एट दैट टाइम द पर्सन विल नॉट बी एबल टू सी द थिंग्स व्हिच आर नियर बाय हिम और एट द डिस्टेंट पोजीशन, वो उनको नहीं देख पाएगा, और इसलिए उस पर्सन को ट्रीट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, करेक्शन में जो है हम क्या करते हैं, वी यूज कॉन्टैक्ट लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है, हम कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस क्या है कि उसको सपोज ये स्पेक्टिकल्स है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, यहां पे देखें, यहां पे कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है और यहां पे कन्केव लेंस, ठीक है, और कॉन्टैक्ट जब उसको देखना होगा तो नीचे देखता है, तो नीचे यहाँ पे कन्वेक्स लेंस से उसकी कन्वर्जिंग हो जाती है, और जब दूर होगा तो तब यहाँ से यूज करता है, तब उसको वहां हो जाता है। तो ड्यू टू दिस जो है मैटर हिज डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, वो इससे दूर भी देख पाता है और नजदीक भी देख पाता है, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज एस्टिगमेटिज्म, एस्टिगमेटिज्म जो है वो क्या है, दिस डिफेक्ट, ए पर्सन सफर फ्रॉम दिस डिफेक्ट इज अनएबल टू सी डायरेक्टली हायर और डायरेक्टली लोअर इन पोजिशन, ठीक है। तो इसका ये डिफेक्ट एस्टिगमेटिज्म, आपको कोई बोलेगा क्या होता है, आप बोलोगे ऐसा डिफेक्ट जिसमें पर्सन सीधा ऊपर नहीं देख पाए और सीधा नीचे नहीं देख पाए, लेकिन आगे सामने उसको अच्छी तरह से दिखता है, ठीक है। अब देखो ये क्यों ऐसा होता है, उसमें ड्यू टू डिफेक्टिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का कर्वेचर अच्छा ना होने की वजह से उस बंदे का जो कन्वर्जेंस है वो ठीक से नहीं होता है। सपोज मैं आपको बताऊंगा हमारा कॉर्निया ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या होता है, जब भी लाइट रेज इस पे पड़ेगी तो क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा अंदर के लिए, ओके, यहां से लाइट रेज आएगी वो अंदर के लिए कन्वर्ज करेगा, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंस पावर जो है बढ़ जाती है, हमारा आई लेंस फर्दर कन्वर्जेंस करता है, लेकिन सबसे पहले कन्वर्जिंग कौन करता है, दिस इज कॉर्निया। और आपको मैं ये बताऊं, अगर इस कॉर्निया का ये कर्वेचर ठीक ना हो तो क्या होगा, जब ऊपर से जहां पे ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट अगर यहां पे होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे होगा, यहां से लाइट रे आएगी वो सीधा ही अंदर चला जाएगी, हालांकि होना क्या चाहिए था, जब यहां से लाइट रे आए, यहां से लाइट रे आई ऐसे, तो वो उसको क्या काम के लिए कन्वर्ट करता, अंदर के लिए करता, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि यहां से अंदर ना जाने की वजह से वो बंदा ऊपर और नीचे देख नहीं पाता, ठीक है। अब देखो ऐसे पर्सन को क्या किया जाए, अगर उसका कर्वेचर ही बचपन से ही ऐसा नहीं है, ठीक नहीं कर्वेचर, तो उसको कैसे कर्वेचर ठीक किया जाए, वी कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस जो है इसको लगाया जा सकता है, क्या होता है सिलेंड्रिकल लेंस, जैसे मैं बताऊंगा यहां से ऊपर से रेज आए, ठीक है, इस लेंस, तो सिलेंड्रिकल लेंस क्या करता है, जैसे सपोज मैं यहां पे नॉर्मल ड्रा करूंगा, ओके, तो नॉर्मल ड्रा करने के बाद देखो ये रे कहां से जानी चाहिए थी, यहां से जाना चाहिए था ना, इसको स्ट्रेट किया, लेकिन लेंस है तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट के मीडियम से
denser medium में light आ रही है and it will get a refracted towards the normal. Towards the normal आपको याद होगा और ये ऐसे अंदर की ले जो रिफ्रैक्ट हो जाएगी. जब अंदर की रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो अंदर क्या होगा, दूसरा आई का आई लेंस होगा और आई लेंस फिर फर्दर कन्वर्जेंस करके उसको देख पाएगा. इसीलिए जब यहाँ से जाएगी फिर वैसे ही होगा, ये इस तरह से अंदर के लिए लाइट भेजेगा और एट दैट मोमेंट द पर्सन विल बी एबल टू सी डायरेक्टली हायर और डायरेक्टली लोअर इन पोजीशन. ठीक है, एक सिलेंड्रिकल लेंस इज यूज इन हिज स्पेक्टिकल्स. ओके, दिस इज हाउ वी कैन करेक्ट एस्टिगमेटिज्म. ओके, एंड द लास्ट वन इज कॉर्निया. सॉरी, द लास्ट वन इज कैटरैक्ट. देखिए कैटरैक्ट जो है, कैटरैक्ट जो है इट अराइजेस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ए थिन क्लाउडी मेम्ब्रेन. ठीक है, मेम्ब्रेन आवर आई लेंस ड्यू टू विच द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट पास टू आई लेंस and then to retina. ठीक है, नहीं कर सकते. As a result, the person's vision is defective. क्या हो जाती है उसकी, उस person की vision क्या हो जाती है, defective, and he or she is unable to see things. वो देख ही नहीं पाता. ठीक है, व्हाई, बिकॉज उसके ऊपर क्लाउडी सरफेस एक डेवलप हो जाती है. इट इज प्रोटीन्स फाइबर्स एंड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ दैट लेयर द पर्सन इज नॉट एबल टू सी थिंग्स. और आप देखोगे इसके बाद मैं क्या बताऊंगा कि हाउ दिस, ये यूजुअली ये जो इफेक्ट होता है ये ओल्ड एज में होता है. आपको पता होगा आई कैंप लगता है. आई कैंप में क्या किया जाता है, उनकी लेयर जो है सर्जिकली जो है ऑप्थोमोलॉजिस्ट जिसको हम बोलते हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो है आर आई स्पेशलिस्ट एंड ऑनली दोज स्पेशल जो टेक्नीशियंस या मैं बताऊंगा प्रोफेशनल्स कैन रिमूव द थिन लेयर व्हिच गेट डिपॉजिटेड ओवर द दिस आई लेंस एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट मेम्ब्रेन द पर्सन कैन सी द थिंग्स क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली. ठीक है, लेकिन वो टाइम टू टाइम जो है फिर से रिमूव करनी पड़ती है बिकॉज वो लेयर फिर से डिपॉजिट हो जाती है. तो दिस इज ऑल अबाउट कैटरैक्ट. बट मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी आंखें जो है वो छह से सात और तक यूजुअली लाइव रहती है, जिंदा रहती है हमारे मरने के बाद. ठीक है, तो ऐसा ना करें कि ऊपर वाला हमें मारे. लेकिन आपको मैं बताऊं कि हम अपने आईज को डोनेट कर सकते हैं कहां पे, आई बैंक में. ठीक, आई बैंक में डोनेट कर सकते हैं. इसके लिए हमें पहले से सबमिशन करनी पड़ती है कि अगर मेरी डेथ हो गई तो आप मेरी आईज जो है वो ले लेना. आपको मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ब्लाइंड लोग हैं, ठीक है, हमारे वर्ल्ड में. और अगर हम ये आईज डोनेट करें तो हमारी आंखें हमारे मरने के बाद भी देख सकती है. ठीक है, और आपको ये मैं बताऊं, हम सबको ये चीज करनी चाहिए. और सिर्फ क्या है हमारी ड्यूटी, क्या एक पहले फॉर्म होता है वो सबमिट करना है वहां पे. और जब डेथ होगी तो इमीडिएटली डेथ होने के बाद एक उनका कॉन्टेक्ट नंबर होता है, उनको कॉल करना होता है. और कॉल करते ही जो है वो उनकी टीम आती है, 10 से 15 मिनट्स में वो रिमूव कर देते हैं. ठीक है, रिमूव करने के बाद वो अपने आई बैंक में ले जाते हैं, वहां से फिर वो हॉस्पिटल्स को जहां से डिमांड है उनको दे देते हैं और वो आप यहाँ दूसरे बंदे को लगाई जा सकती है. सो इट इज आवर, क्योंकि हमारे मरने के बाद हमें आंख को कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, ना ही हमें ज्यादा डिस्टर्बेंस है, बट हमारी आंख की वजह से किसी को रोशनी आ जाए तो देन इट विल बी आवर ग्रेट वर्क. सो वी शुड इनकरेज आवर फ्रेंड्स एंड वी शुड ऑल्सो इन्वॉल्व आवर सेल्व सो दैट
जो है द पर्संस आर द स्टूडेंट्स आर गेट रेडी टू डोनेट देयर आईज टू द आई बैंक. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर. वी विल कंटिन्यू टुमारो द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.